प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में कहा, आम जनता के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है ये मंच। 10 साल बाद हुई बैठक में कई मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 11वीं अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ने लिया हिस्सा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विगत 2 वर्षों में केंद्र सरकार का मूल मंत्र सहकारी संघवाद को सही मायनों में बढ़ावा देना रहा है और सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में फंड के आवंटन को भी बढ़ाया है। तुर्की में सेना के एक धड़े द्वारा तख्तापलट की खबरों के बीच विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू किया। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि देश की सत्ता पर अभी भी है सरकार काबिज, हालात को जल्द कर लेंगे काबू में। संघर्ष में अभी तक 60 लोग मारे गए। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की, तुर्की ना जाने की दी सलाह। हालात को देखते हुए तुर्की में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने और घरों में रहने की दी सलाह। अंकारा इस्तांबुल में मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। अरुणाचल प्रदेश में आज होगा नबामतु की सरकार के भविष्य का फैसला। राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण के लिए और समय देने का तुकि सरकार के अनुरोध को किया खारिज। कालिखो पुल ने किया 43 सदस्यों के समर्थन का दावा। नीस हमले को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदो कैबिनेट के साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। नापाक आतंकी हमले को अंजाम देने वाले की पहचान ट्यूनेशियाई नागरिक के रूप में हुई। हमले में 84 लोग मारे गए और 200 घायल। फ्रांस में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा। नापाक आतंकी हमले को अंजाम देने वाले की हुई पहचान ट्यूनेशियाई नागरिक के रूप में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश संकट की इस घड़ी में फ्रांस के साथ। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने किए अपने प्रयास तेज। इसी क्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के साथ बैठक की। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी बैठक की थी। देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में अगले एक सप्ताह में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में आगामी एक पखवाड़े में हल्की बारिश हो सकती है। इस महीने के अंत तक देश में सामान्य बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जारी बारिश से प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। यूनेस्को ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया है। शुक्रवार को करीब 2 बजे यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर इसे शामिल किया। यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर के बाद बिहार के दूसरे स्थल नालंदा के खंडहर को विश्व धरोहर में शामिल किया है। विश्व धरोहर में शामिल होने वाला यह भारत का 33वां धरोहर है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियाना के गवर्नर माइक पेंस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है, जिसे पेंस ने स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि माइक ने इंडियाना का गवर्नर रहते हुए बेहतरीन काम किया है, इसलिए मैं उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की घोषणा करता हूँ। चीन में शुक्रवार को पहली बार एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब 2 बुलेट ट्रेनों ने रिकॉर्ड उच्च गति से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार किया। गोल्डन फिनिक्स और डॉल्फिन ब्लू नामक ये दोनों ट्रेनें 420 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी जियांगशु प्रांत के शुझु के बीच पटरियों से गुजरी। चीन की स्टैंडर्ड बुलेट ट्रेन वर्ल्ड की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसने यह रिकॉर्ड बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ 9 नवंबर से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में पहली बार राजकोट और विशाखापट्टनम भी टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करेंगे। राजकोट में 9 से 13 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में 17 से 21 नवंबर के बीच होगा। लाओस के खिलाफ एक के बाद एक जीत दर्ज करने पर भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में 11 स्थानों की छलांग लगाई है। भारतीय टीम अब 152वें स्थान पर पहुंच गई है। डेविस कप एशिया ओसिनिया ग्रुप 1 के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत को 2-0 की बढ़त। एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेंद्र सिंह का मुकाबला कैरी होप के साथ।